हेलो फ्रेंड, टीवी के टॉप सीरियल अनुपमा में रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे दर्शक शो से जुड़े रहते हैं और लगातार प्यार बरसाते हैं। टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही शो में बड़ा लीप आने वाला है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि सभी लोग अनुपमा को संगीत में डांस करने के लिए कहते हैं। अनुपमा हाँ कर देती है, लेकिन फिर उसे अनुज का ख्याल आ जाता है कि वो कुछ तो कहना चाह रहे थे। तभी काव्या भी आ जाती है, लेकिन संगीत में आने से मना कर देती है। आने वाले एपिसोड में अनुज अनुपमा को सब कुछ बताने वाला है। तो वहीं आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज कपाड़िया हाउस में है और उसे हर जगह अनुपमा के होने का एहसास हो रहा है। वो चाहकर भी अनुपमा को नहीं भुला पा रहा है। तभी माया अनुज के कमरे में आती है और कहती है कि नींद तो अच्छी आई होगी, लेकिन अनुज बिना कुछ कहे ही निकल जाता है। माया कहती है कि अनुज आपकी जिंदगी में तो जगह बना ही ली है और अब जल्द ही दिल में भी बना लूंगी। जिसके बाद समर और डिंपल बात करते हैं। डिंपल समर से कहती है कि हम वनराज का कमरा ले लेंगे क्योंकि वो अकेले रहते हैं, लेकिन समर मना कर देता है। वो कहती है कि सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। डिंपल हनीमून पर जाने की बात करती है, लेकिन समर कहता है कि पहले 10 लाख रुपए चुकाने हैं, उसके बाद ही कहीं चल पाएंगे। लेकिन डिंपल जिद करती है कि वो अनुज से हनीमून पर भेजने के लिए कहेगी, लेकिन समर भड़क जाता है और कहता है कि अनुज से और मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही अनुपमा गुरु माँ को कहती है कि आपको रिश्ते बनाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की शादी का न्योता दे रही हूँ। आपका आशीर्वाद अगर मेरे बेटे को मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि गुरु माँ कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं। जिसके बाद अनुपमा सामान खरीदने के लिए चली जाती है बाज़ार, जहाँ उसकी मुलाकात अनुज से होती है। दोनों एक ही बाज़ार में शॉपिंग के लिए आए होते हैं। अनुपमा सवाल करती है कि जो बात अधूरी रह गई थी वो पूरी कर दीजिए। अनुज को माया का ख्याल परेशान करने लगता है। वो नहीं बताता है और अनुपमा को शाह हाउस छोड़ने की बात करता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि छोड़ तो पहले ही चुके हो, अब कितना छोड़ोगे। लेकिन अनुज ज़बरदस्ती करके अनुपमा को बाइक पर बैठा लेता है। तो फ्रेंड्स, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।